नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ श्रवण तंबोली और आज खबर विभाग में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन इससे ठीक पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। चुनावी साल है, निश्चित रूप से लगातार दिग्गज नेताओं का दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में जारी है और इन दौरों के साथ ही बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार इन बड़े नेताओं के दौरे को लेकर लगातार हमला कर रही है, तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी भी लगातार पूरी तरह से अब चुनावी मोड में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उनके दौरे से छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक नई जान यहां पर फूकी जाएगी और कोशिश होगी कि एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जाए। लेकिन कल अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और उनके दौरे से ठीक पहले आज छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ के जो बीजेपी के नेता हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर, उनकी सभा को लेकर तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री को छत्तीसगढ़ आना पड़ रहा। उन्होंने एक बड़ा हमला अपने बयान से बोला है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब अमित शाह की सभा हुई थी तब यहां पर कोई भी भीड़ नहीं जुट पाई थी, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं और यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को देखेंगे, भीड़ जुटाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। कुछ इस तरह का बयान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने दिया है और इस बयान के बाद लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा है, चुनावी साल है और ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे तो क्या बड़ी वो घोषणाएं करते हैं, राजनीतिक बीजेपी में क्या कुछ उथल पुथल हो सकता है, कुछ फेरबदल हो सकता है, कुछ बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। कई ऐसे कयास हैं जो लगातार यहां पर लगाए जा रहे हैं। एक बड़ी बात और है कि छत्तीसगढ़ में सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर भी लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या फिर कोई और चेहरा जो है वो बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी, क्या प्रधानमंत्री के दौरे के बाद ये भी जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी, ऐसे कई बड़े ऐसे सवाल हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी होगी कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे तो क्या वो सौगातें देते हैं, क्या बड़ी घोषणाएं करती हैं। सबकी निगाहें, सबकी नजरें इसी पर होगी। बहरहाल चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार जो बड़े नेता हैं उनके दौरों का सिलसिला जारी है, लेकिन सबसे बड़े नेता ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में राजनीतिक पारा पूरी तरह से हाई हो चुका है और लगातार बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया के इस बयान के बाद एक बार फिर से जो है राजनीतिक पारा है वो चढ़ा हुआ है। तो आने वाले दिनों में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगे तो उनके दौरे में क्या कुछ खास रहेगा, हर एक अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।